श्री गंगानगर की समीजा कोठी थाना पुलिस के द्वारा कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था, जिसके अनुसंधान से मिले इनपुट के आधार पर श्री गंगानगर की अनूपगढ़ और रायसी नगर थाना पुलिस के द्वारा अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 29 में एक घर पर छापामारी करते हुए अवैध मादक पदार्थों के साथ साथ हथियार भी बरामद किए हैं। श्री गंगानगर की अनूपगढ़ थाना पुलिस ने इस घर पर रेड मारकर मां बेटे सहित कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्री गंगानगर की अनूपगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ा युवक सलीम खान है और उसकी मां अरसाद बेगम उर्फ हीना के साथ साथ एक अन्य युवक जो 3PGM का रहने वाला मूलचंद नायक है, तीनों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि इस घर के द्वारा क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के साथ साथ हथियारों की सप्लाई के भी काम किया जा रहा है, जिस पर श्री गंगानगर की अनूपगढ़ थाना पुलिस ने मौके से कार्रवाई करते हुए मां बेटे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 375 ग्राम हेरोइन बिक्री के 44,000 रुपए की नकदी, मेडिकेटेड नशीली गोलियां के साथ साथ 16 कारतूस और इलेक्ट्रॉनिक कांटे व अन्य पैकेजिंग मटेरियल जब्त किया है। फिलहाल एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कल अनूपगढ़ में एक कार्रवाई की गई, जिसमें सचिव रायसी नगर और सचिव अनूपगढ़ दोनों साथ थे, एक जॉइंट रेड डाली और इसमें उसकी एक महिला थी हीना जोया, जिसके घर से उसका बेटा सलीम करके था, वो काफी टाइम से इस प्रकार का सूचना मिल रही थी कि वो इस प्रकार से धंधा करता है। तब ने रेड मारी तो उसके घर से 375 ग्राम चिट्ठा मिला, साथ ही 13+3 16 राउंड मिले और कुछ नशीली गोलियां और इंजेक्शन भी मिले। इन सब में इनको 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज किया।